नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि महाधनी योग के बारे में, कि महाधनी योग बनता है कैसे है और आपके हाथ में वो कौन से चिन्ह है, कौन सी वो लाइनें हैं जो आपको महाधनी और महाभाग्यशाली बनाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको नई और एक रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीने के अंदाज के बारे में बताती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा, हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन करते हैं, कितनी गहराइयों तक जाते हैं उसके बारे में बताती है। ये हमारी हृदय रेखा, हमारा किसी के साथ कितना अटैचमेंट है, इमोशनल प्यार कितना है उसके बारे में बताती है। सबसे पहले हमने महाधनी योग की बात की है। आपके हाथ में वो कौन सा चिन्ह है, कौन सा वो रेखा है जो आपको महाधनवान बनाती है। सबसे पहले तीन लाइनों का संयोग होना, जैसे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा, ये तीनों रेखाओं का कॉम्बिनेशन जीवन में तरक्की की तरफ लेके जाती है और महाधनवान बना देती है। सबसे पहले जैसे ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा किसी बात को एक्सप्लेन करना, किसी विचारों में खो जाना, कितनी गहराइयों तक जाना वो मस्तिष्क रेखा बताती है। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारा माइंड कितना प्रॉपर काम कर रहा है, उस तर्ज पे काम करेगा, उस सवालों के जवाब के ऊपर काम करेगा कि हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन करेंगे। और बिजनेस के या हो या व्यापार हो या अपना रोजगार हो, कोई भी हो, लेकिन माइंड लाइन अगर आपकी प्रॉपर है तो इस चीज का उद्देश्य दे रही है कि आप जीवन में एक सफल और एक महान व्यक्ति हैं, क्योंकि माइंड ही आपका प्रॉपर काम करेगा। सबसे पहले ये हमारी जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा और ये हमारी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा का प्रबल होना जिंदगी का एक संकेत है, एक उद्देश्य है कि आप जीवन में सफल हैं। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो अपने करियर को, अपने भाग्य रेखा को, अपने धन रेखा को देखते हैं, इसके बहुत नाम है। अब ये भाग्य रेखा और ये यहां से इसी भाग्य रेखा से एक रेखा हमारी इस बुध के पर्वत पर पहुंच रही है। ये बुध के पर्वत पे पहुंचने का मतलब आपका जो बिजनेस सेंस है वो काफी एक्टिव है, काफी अच्छा है और इसके ऊपर तीन चार लाइनें आपको बिजनेस के प्रोफेशनल के बारे में बता रही हैं कि आपका जो बिजनेस का व्यापार का है वो काफी एक्टिव है। आप बोलने की कला रखते हैं, आपके अंदर एक बोलने की समर्थ शक्ति है, किसी को पहचानने की शक्ति है, वो बिजनेस लाइन ये बताती है आपको। और ये जो बुध की हमारी फिंगर सन की फिंगर की तरफ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो रही, मुड़ रही है, तो आपको व्यापार में निपुणता दिखाएगी, आपको इतना तेजी से आपका माइंड काम करेगा बिजनेस के दम पे कि आप हर चीज को समझने और परखने की कला रखते हैं। और यहां पर अगर ये त्रिकोण का साइन बनता है, त्रिकोण का साइन यहां पे आपको एक सफल बिजनेसमैन और महाधनी का योग बताता है। ऐसे लोग विदेशों से भी व्यापार करके अधिक मात्रा में धन कमाते हैं और लाइफ में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। अब ये हमारे जो मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये भाग्य रेखा में ये जो बना बीच का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी आपके पास पैसा इकट्ठा करने का, संग्रह करने का आपके पास योग बनता है। ऐसे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जिसके पास धन का संग्रह कराती है। ये तीनों रेखाओं का जो संयोग है ये पैसा इकट्ठा करने के बारे में बताती है। ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं, जीवन में अपार सफलता पाते हैं इस बिजनेस लाइन के और इस भाग्य रेखा के प्रबल पर।
और इस हमारे माइंड रेखा के दम पर ये जो बीच का हमारा ट्रायंगल बनता है ये अधिक सफलता आपको दिखाता है। इसी के साथ ये हमारी जो भाग रेखा है, भाग रेखा जब भी कभी हमारी इस फिश के साइन से निकलती है, ये फिश का साइन है, अगर ये फिश के साइन पे भाग रेखा चल के चलती है, ऐसे लोग क्या करते हैं जीवन में बहुत तरक्कियां पाते हैं, बहुत उनका जीवन उन्नत होता है। ऐसे लोग बिजनेस करते हैं और एक सफल व्यापारी बनते हैं और उनका जो ग्रोथ है, जीवन का करियर है, वो काफी तरक्की की तरफ लेके जाता है। जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का सामना करते हैं और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग काफी भाग्यशाली होते हैं क्योंकि जो फिश का साइन होता है, ऐसे लोगों को जीवन में कभी पैसों की दिक्कत नहीं होती है, मुश्किलें कितनी भी आए लेकिन उसका समाधान हल निकाल लेते हैं और अपने लाइफ में एक मुकाम हासिल करते हैं। और ये जो हमारी माइंड लाइन है, ये हमारी जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन से एक रेखा अगर ये बुध की तरफ मुड़ रही है या हमारी मस्तिष्क रेखा में कई लाइनें ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रहे, यह हमारे व्यापार को, हमारे बिजनेस को, हमारे एक एक तरक्की का संकेत देती है। ऐसे लोग जीवन में अपार सफलता पाते हैं। अगर आपके हाथ में है तो धनी, महाधनी नहीं, महाभाग्यवान माने जाएंगे और जीवन में हर तरक्की आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।